पर्सनल हाइजीन यानी अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, खुद को साफ रखना हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है। और गुप्तांगों के बालों की साफ सफाई, उन्हें हटाना भी इसका एक अहम हिस्सा होता है। मगर क्या प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को अपने योनि के बाल साफ करने चाहिए? अगर हाँ, तो उसे अपने योनि के बाल किस तरह से हटाने चाहिए? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब दे रहे हैं हम आज के वीडियो में, और आपको बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान योनि के बाल कैसे हटाएं, अपनी बॉडी के बाल कैसे हटाएं। तो इसका सबसे पहला तरीका है जो कई महिलाएं अपनाती हैं, वह है वैक्सिंग। अगर आप बालों को हटाने के लिए पहले से वैक्सिंग कराती आ रही हैं, तो आप किसी पार्लर में जाकर वैक्स करा सकती हैं। घर पर ही अपने आप वैक्स करने से बचें, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है हेयर रिमूवल क्रीम्स का। हेयर रिमूवल क्रीम्स बाजार में मिलने वाली ऐसी क्रीम होती हैं जिनको लगाकर आप अपने बाल हटा सकती हैं। अगर आपने पहले इस तरह की क्रीम का यूज करते हुए कभी बाल हटाए हैं, तभी आप प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करें। अगर आपने पहले हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल योनि के बाल हटाने के लिए नहीं किया है, तो इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करने से भी बचें, क्योंकि इनमें कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं जो आपकी सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे जो नॉर्मल तरीका है प्रेगनेंसी में योनि के बाल हटाने का, वो है शेविंग। शेविंग के लिए आपको शेविंग क्रीम की भी ज़रूरत होगी, और आप नहाते हुए शेविंग के जरिए अपने योनि के बाल हटा सकते हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि इससे त्वचा के कटने का या स्किन पे जख्म लगने का खतरा होता है। चौथा तरीका जो है वो है कैंची से अपनी योनि के बाल हटाना। तो कैंची का इस्तेमाल करके आप बालों को छोटा कर सकते हैं, और इससे कोई खास रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन बेबी बम्प बड़ा होने के बाद, यानी आपका पेट थोड़ा बड़ा होने के बाद, यानी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, आप कैंची का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा नीचे और उससे आपको चोट लग सकती है। एक बात ध्यान में रखें कि इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उनसे पूछ लें कि आप इन ऊपर बताए गए तरीकों से अपने योनि के बाल हटा सकती हैं या नहीं। साथ ही साथ अगर डॉक्टर आपको हाँ बोल देते हैं, तो कैंची या ब्लेड के इस्तेमाल से पहले उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह साफ कर लें, ताकि उन पर किसी भी तरह के बैक्टीरिया ना रहें और आपकी गर्भावस्था जोखिम से बची रहे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ हमें बताइए कि आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।